नरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुमरा में लोगों के लिए बनी पब्लिक टॉयलेट्स की क्या है सच्चाई? पब्लिक टॉयलेट्स किस हाल में पड़ी है? क्या अब तक किसी ने उन टॉयलेट्स का फायदा उठाया है? हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि जगह जगह ये पब्लिक टॉयलेट्स रखी हुई है लोगों के लिए। लोगों का इन टॉयलेट से फायदा उठाना तो दूर की बात है, बल्कि ये टॉयलेट्स बहुत ही खस्ता हाल में पड़ी है। देखिए पूरी खबर, क्या कुछ कहा MIM के जावेद सिद्दीकी ने। जावेद भाई, टुडेज वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। जावेद भाई, बात करेंगे मुमरा में जो शौचालय रखे हुए उसके ऊपर। हमको पता है कि सन 2020 से आपने काफी पत्र व्यवहार किया था कि मुमरा शहर को शौचालय दिया जाए, और 2023 तक कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद शौचालय आए भी। चार शौचालय अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं, जैसे कि एक मित्तल के बाहर है, मैक कंपनी के बाहर एक है, वाई जंक्शन पे एक है, और एक MM वैली स्टेडियम के बाजू में, TMC का जो हॉस्पिटल है उसके बराबर बाजू में, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं किए गए हैं। और कुछ शौचालय के दरवाजे टूटे हुए, पूरे फुटेज है हमारे पास, इस बारे में आपका क्या कहना है जावेद भाई? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुमरा शहर की ये बदनसीबी है जो मुमरा शहर के लोगों के लिए, जनता को प्रशासन का पैसा आता है तो कुछ यहाँ के सत्ताधारी हो, चाहे मंत्रालय में बैठे हुए नेतागण हों, वो सिर्फ अपनी ही लोगों को बताते कि हमने किया। तो इस संबंध में हमने काफ़ी दिनों से, जब कोरोना की महामारी थी उस टाइम भी हमने कई बार इसकी पिक्चर भी बनाया गया है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, ये अहम एक शहर के लिए शौचालय है। तो 10/8/2020 को हमने मांगनी किया TMC को कि भाई मुमरा शहर में 18 नगर सेवक बसते हैं, आमदार बसता है, खासदार बसता है, और भी बहुत अल्पसंख्यक के लोग बसते हैं, लेकिन ये क्या कारण है मुमरा शहर के अंदर जो अहम ज़रूरत की चीज़ है उसके ऊपर लोग काम नहीं किए? उस संबंध में मैं बराबर तकरार करता रहा। फिर ठाणे महानगर पालिका 12 फरवरी 2021 को हमें एक पत्र दिया कि आपका जो तकरार था शौचालय का बांधने का, हमने प्रयोजन यानी मुमरा के सहायक आयुक्त, मुमरा प्रभाग समिति, थाने महानगर पालिका को पत्र उन्होंने दिया कि शौचालय बनाने का हमारा प्रस्ताव चालू है, ऐसा लेटर दिया गया। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो 15 फरवरी 2001 को पत्र फिर हमने दिया TMC को। फिर उसके बाद जो है 8 मार्च 2023 को कमिश्नर को जाके हम स्वयं मिले कि भाई ये मुमरा शहर में नगर सेवक की निधि, प्रभाग सुधारने का निधि और नगर सेवक के नाम पे निधि, और आप कोरोना की महामारी बता रहे हैं कि उस टाइम पे ठेकेदार नहीं है और काम करने वाले नहीं है, तो वो करके हमें लेटर दिया गया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसकी जांच होना चाहिए कि जो यहाँ पे प्रतिनिधि थे, नगर सेवक थे, जनता जी ने भरोसे से जीतकर थाने महानगर पालिका सदन में भेजा था, उन्होंने काम करने की शपथ ली थी, लेकिन वो लोगों ने उनका फाइल जो जनता का सुधारने की नीति है वो उनका 5 साल होने से पहले सारा पैसा निकाल लिया गया। ये फाइलें मेरे पास पड़ी है, मुमरा शहर के विकास की जो बातें लोग कर रहे हैं उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने में माहिर बेनब्बास हूँ और मैं कागज के ऊपर बात करता हूँ। फिर जब ये काम आवाज़ आप लोग भी उठाते रहे, जब नहीं हुआ तो मैं 31 मार्च 2023 को कमिश्नर को एफिडेविट दाखिल किया कि मुमरा शहर में करोड़ों रुपया का बजट आ रहा है, सारे धावे ठोक रहे हैं, तो इसके मुझे जवाब दो। तो उन्होंने मुझे तीन चार 2023 को प्रतिज्ञा पत्र के ऊपर आदेश किया। फिर उसके बाद मुझे वर्क आर्डर दिया गया कि 6/4/2023 को
मुमरा शहर के अंदर जो है ठाणे महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति मध्ये स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत बैठे कंटेनर सार्वजनिक शौचालय उभारने बाबत उन्होंने वर्क आर्डर दिया जिसकी लागत 72 लाख रुपया है और जो 4 कंटेनर हैं इस वर्क आर्डर में आप देख सकते हैं 4 कंटेनर हैं। ये किसी आमदार की निधि नहीं है, किसी नगर सेवक की निधि नहीं है, ये भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत 4 जो शौचालय लाके रखे गए हैं वो भारत शौचालय जो भारत अभियान स्वच्छता विभाग के अंतर्गत स्कीम में पास हुई 72 लाख। यानी ये जो है 3 महीने के लिए था, आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2023 को वर्क आर्डर निकलता है और आज कितना महीना हो गया है, दिसंबर या साल भी आखिरी जुलाई तक का डेडलाइन था, जुलाई तक का डेडलाइन, चलो बारिश का टाइम आ गया, ये हो गया सब। लेकिन अब आके तो कब से वो पड़े हुए हैं, वो टूटने की भी कगार में है। अभी आपने कहा कि वो टूट गए, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास फुटेज है। मैं तो इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि अधिकारियों के ऊपर मानहानि का दावा ठोका जाए कि ये सरकार के पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो आया है तो चालू क्यों नहीं किया गया, रखने से उसका मसला तो हल होगा नहीं, रखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये जो है वर्क आर्डर हो गया है, आ गया है, लेकिन इसमें वो क्या बोलते हैं कि मैं रानी तू रानी कौन पानी डालेगा। मतलब जो सरकार में बैठा वो बोलता मैं किया हूँ, जो सरकार में नहीं थे बोले मैं किया हूँ। ये मैं मुमरा शहर को खराब किया जा रहा है। और ये कंटेनर की बात नहीं है, बहुत कुछ है, हाँ ये फाइल मेरे पास है। तो मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है, मैं दावे के साथ उसे चैलेंज करता हूँ कि जो 4 कंटेनर आए हुए हैं ये कंटेनर जो है ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत भारत अभियान अंतर्गत कंटेनर सार्वजनिक शौचालय का ये वर्क आर्डर है मेरे पास। स्वच्छ भारत मिशन अनुदान 3 कामे ये लेखा शीर्षक अंतर्गत उबलत असले तरदूत 2 मधुन कन्यात एनआर आहे। ये भारत सरकार के अंतर्गत 72,65,051 रुपया का मांगनी के वर्क आर्डर के ऊपर काम करने का वर्क आर्डर दिया गया है। और इसमें यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम कलम 73 खंड का अनुसार प्रशासक ठाणे महानगर पालिका ठाणे महनून मान्यता देता है। अब इसमें आप बताइए कि आमदार की निधि है कि और किसी नेता की निधि है क्या, आप बताओ मेरे को। अगर किसी को मेरे से बहस करना है डिबेट में आ जाए, बैठ जाए, मैं पूरी चड्डी उतार दूंगा। तुमने शहर के लिए किए जवाब पे मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ठीक है, आपने पत्र व्यवहार किया, 4 कंटेनर आ गए, लेकिन मुमरा की जनता उसका फायदा कब उठा पाएगी, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखो मैं प्रयास तो हमेशा करता रहता हूँ जी, लेकिन यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए। अगर ऐसे निकम्मे लोगों को अगर आप वोट देंगे वो अपने गाड़ी और बंगला ही बनाएंगे, क्योंकि उनके पास टावर है, उनके पास पावर है अभी तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जनता जाग चुके है, इस बार बदलाव लाएगी और हम जो है शहर की भलाई की लड़ाई लड़ते हैं। आज 15 साल हो गया, ये बताइए आप न्यूज वाले हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, मार्गदर्शन होता है गटर और नाला, एक बड़ा नेता जो 2 बार का मंत्री है उसका भी बिचारे का नाम तुम लोग खराब कर रहे हो, गटर और नाले के नाम से याद कर रहे हो। एक ऐसा नेता है जो बहुत खानदानी है उसका भी नाम लेके तुम लोग गटर और नाला से, क्या उनकी यही एक कमी है कि वो इस लायक है गटर और नाला से तुम याद करो? अरे काम करो तो अपने बलबूते पे करो, जनता के हित के लिए काम करो। मेरा कहने का यही मतलब है, जैसे ये शौचालय का आप मुद्दा लेके मुझसे पूछ रहे हैं, ये शौचालय में बहुत से लोग बोला फलाना का फंड है, फंड है तो वर्क आर्डर बता दो उनका। ये मैं बता रहा हूं कि किसका फंड है जो 4 कंटेनर आए हैं, ये 4 कंटेनर किसके आए है मैं ये बता रहा हूं, मेरे पास कागज है। अगर इसको कोई झुटला देगा खुदा की कसम मुमरा छोड़ के राजनीतिक छोड़ दूंगा। इसको चालू कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखो चालू के लिए मैंने उनको पत्र दिया हूं कि ये जो है चालू होना चाहिए, सब टूटा फूटा हो रहा, कई बार न्यूज भी वहां चली कई लोगों के थ्रू,
तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इसका ठेका देने के लिए हम है, अब ठेका उसी को मिलेगा, इनके नेता के लोगों को, लोगों में इसीलिए नहीं वो ठेका अभी तक मिला। तो ये सब टेक्निकल बातों पे लोगों को फंसा के इलेक्शन तक लेके जाएंगे। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा उसी टाइम उद्घाटन होगा, देखो मैंने चालू करा दिया। तो इसके लिए वो रुका हुआ है और मैं उनकी जो है पोल इसलिए खोल रहा हूँ कि मेरे पास कागज है, अगर उद्घाटन करने कोई आएगा कि मैंने किया हूं तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई किधर है तुम्हारा फंड, किधर है बताओ, ये तो भारत स्वच्छ अभियान का पैसा है, है? तुमने तो कलवा में प्रभाग नंबर 9 में आपने 2021 में 20,00,001 और 25,00,000 45,00,000 का शौचालय बनाने का प्रपोजल को पैसा दिया। मुमरा के अंदर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी जब चुनाव आया है तो बोलते वो अच्छा नहीं, वो बोलता वो अच्छा नहीं, वो बोलता वो ऐसा है, वो बोलता वो ऐसा है, सब तुम लोग वही एक ही हो, खाली मुमरा शहर में बाहर से आके लोगों को तकलीफ दे रहे हो। हाँ, तुम अपने टावर और पावर के बल पे आगे लोगों को परेशान कर रहे हो, करना बंद करो। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।